गुरु जी के पावन दरबार की है कि आज हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमान राम नाथ कोविंद जी अपने परिवार के साथ हमारे गुरुद्वारा खालसा दीवान मनीला में पधारे हैं। मनीला की पूरी सिख संगत और गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर गुरुद्वारा साहब में पधारे हैं। हम आपके साथ आए सभी आदरणीय सज्जनों का भी स्वागत करते हैं। एम्बेसडर साहब और भी जो आदरणीय आपके साथ आए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरुद्वारा खालसा दीवान मनीला में जो है ये सबसे पुराना गुरुद्वारा है। ये पहला गुरुद्वारा है और तकरीबन 100 साल पुराना गुरुद्वारा है। यहाँ के चेयरमैन श्री मंजिंदर कुमार जेम्स जी और गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी जहाँ पे हर एक चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई पेशेंट हो हर प्रकार की सभी की मदद करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के 500वें प्रकाश पर्व के संबंध में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर मनीला के सभी गुरुद्वारों में खूनदान कैंप लगवाया गया और हर महीने फ्री में लंगर की सेवा और दवाइयों की सेवा की जाती है। माननीय राष्ट्रपति जी, हम आपकी अच्छी सेहत और भारत की तरक्की के लिए अरदास करते हैं। अब हम आपको जो गुरुद्वारा साहब की तरफ से सम्मान सिरपाव दिया जाएगा कृपया आप प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरुद्वारा साहब के जो मुख्य सेवादार हैं उनको बेनती करते हैं कि वो राष्ट्रपति जी को सिरोपो की दाद प्राप्त करवाएं। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। जी, गुरु नानक देव जी का जो 550वां जी जन्मदिन हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को। जी, आपका जो सुल्तानपुर लोधी जी बोले सोनिहाल में हमको मत्था टेकने जाएंगे। जी, थैंक यू। सारी संगत को बेनती है कि आप सभी बैठ जाएं। माननीय राष्ट्रपति जी अपने कुछ अनमोल शब्द हम सबके साथ साझा करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं पिछले 3 दिनों से आपके मनीला में था और आज पहली बार आप सबके बीच में मुझे हिंदी में बोलने का मौका मिला। गुरुद्वारा आकर के मत्था टेकने की एक खुशी होती है, लेकिन अपनी भाषा में भी अपने लोगों से बात करने में और भी खुशी होती है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। गुरु नानक देव जी का 550वां जन्म दिवस पूरे विश्व में सब लोग मनाने वाले हैं। उसकी बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। हिंदुस्तान में भी हो रही तैयारियां, आप लोगों ने सुना होगा। करतारपुर साहब गुरुद्वारा में भी इस बार हम सब लोगों को जाने का मौका मिलेगा, और इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज आप सबके बीच में आया, यहां मत्था टेकने का मौका मिला। और इसी के साथ साथ मुझे उस बात की भी, उस दिन का भी मुझे इंतजार है, 12 नवंबर का, जब मुझे सुल्तानपुर लोधी, जहां पर गुरु नानक देव जी ने बरसों बिताए थे, वहां के गुरुद्वारा में भी मत्था टेकने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान की जो शख्सियत है, जो संस्कृति है, सदियों से चली आ रही है, विश्व बंधुत्व की भावना, जिसको हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जहां पर भी गए, दुनिया के किसी भी कोने में गए, और मुझे फक्र इस बात का होता है कि अभी तक पिछले 2 वर्षों के दौरान दुनिया के लगभग 26 देशों में मुझे जाने का मौका मिला, और जहां पर भी मैं गया हूं तो अपने हिंदुस्तानी भाई बहन जहां पर भी होते हैं तो मैं उनसे मिलने का कोशिश करता हूं। आज भी एक बहुत बड़ी संख्या थी, 1000 से अधिक की लोगों की होगी। संगीला होटल में हमारी एम्बेसी ने कार्यक्रम इंडियन डायस्पोरा का आयोजित किया था, उसमें संभवतः आप लोगों में से कोई होगा। लेकिन ये मेरी कोशिश रहती है, और इसलिए कोशिश होती है कि जब मैं बाहर जाता हूं, अपने लोगों से मिलता हूं, तो मुझे भी खुशी इस बात की होती है कि मुझे ये नहीं महसूस होता है कि मैं हिंदुस्तान के बाहर हूं, अपने लोगों के बीच में हूं। और कहा भी जाता है कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति जिसकी मैं बात कर रहा था, उसी संस्कृति को भारत के ऋषि मुनियों न जाने कितनी हजारों वर्षों से जो चली आ रही परंपराएं हैं, उनको आगे बढ़ाया, पूरे विश्व में बढ़ाया, और सबको एक पूरी दुनिया को हमने परिवार माना। सब इंसान है, एक कहा भी जाता, मुझे याद नहीं आ रहा, कौन भला कौन मंदे, ये ईश्वर के सब बंदे, इस प्रकार का जो कहा जाता है, वो गुरु नानक साहब ने कहा था कि दुनिया का हर इंसान जो है वो आखिर उसकी एक ही हमारी सृष्टि है, एक ही ऑलमाइटी गॉड को, उसका कुछ भी नाम दे दो, उसी के सब बंदे हैं। तो हम सबको भाईचारा मिलकर के सबको रहना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो दुनिया से, जिसको हम कहते हैं ना कि दुनिया में ये बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं है, तो स्वर्ग और कहीं नहीं है, कोई यहीं पर है। लेकिन जिस महान विभूति जिनके आज हम सब लोग आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं, पूरा विश्व फल फूल रहा है, गुरु नानक देव जी, आज मैं उनको फिर स्मरण करता हूँ, और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, पूरी दुनिया को मिले, पूरी मानवता को मिले, और हम सब मिलजुल करके इसी दुनिया को एक स्वर्ग बनाने में कामयाब हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मेरा ये सरोपा भेंट किया, स्वागत सम्मान किया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मैडम पंजाबी हमारे बीच महान प्रावधान है, महान देगा। वाहे गुरु वाहे गुरु।